मैं थासो दूर कोनी। राजस्थान में सबसे पहले ये शब्द कहे थे जोधपुर के उस युवा शासक ने, जिसने जवानी में ही अपना नाम देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया था। नमस्कार, मैं हूँ योगेश शर्मा। आज अध्याय में सुनाता हूँ जोधपुर के लोकप्रिय महाराजा रहे हनुमंत सिंह की गाथा, जिनके बारे में कहा गया है कि वो जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन सच ये है कि वो सब कुछ करना चाहते थे अपनी मारवाड़ की प्रजा की खुशियों के लिए। वो कुछ देना चाहते थे अपने देश की जनता को। चलिए सुनाते हैं गाथा महाराजा हनुमंत सिंह की। 5 अगस्त 1947 का दिन, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह अपनी पत्नी और महारानी कृष्णा कुमारी के साथ उम्मेद भवन के बारादरी में बैठे थे। बारिश के बाद मौसम सुहावना था, फिर भी उदासी थी। महाराजा हनुमंत सिंह अनमने भाव से मेहरानगढ़ की दिशा में अस्त होते सूरज को देख रहे थे। तभी महारानी ने पूछा, आप दिल्ली जाने वाले थे जिन्ना के साथ मीटिंग के लिए, ऐसा मुझे बताया गया है। महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा, हाँ, मेरे दिमाग में अभी जिन्ना से मीटिंग करने या नहीं करने की बात ही सबसे ऊपर चल रही है। फिर महारानी कृष्णा कुमारी ने पूछा, फिर उलझन क्यों है? महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा, गांधी जी जिनके संदेश के बाद आधी रात को पैलेस से निकलकर पोस्टर चिपकाने निकल पड़ता था, वो ही गांधी जी अचानक बैठकों से गायब है। मारवाड़ की जनता अकाल से त्रस्त है। हमारी रेल सर्विस सिंध तक फैली है, इसका लाभ जनता को मिल रहा है। विभाजन के बाद उसमें कमी आ जाएगी, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? सरदार पटेल भी मानते हैं कि जोधपुर स्टेट उन राज्यों में है, उन रियासतों में है जिन्हें वाइबल स्टेट या यू कहें सक्षम रियासत कहा जाता है। महारानी कृष्णा कुमारी ने फिर पूछा, फिर परेशानी क्या है? महाराजा हनुमंत सिंह ने जवाब दिया, यही सवाल मैं मैनन से कर रहा हूं। जोधपुर को विशेष पैकेज देने में आखिर क्या हर्ज है? महारानी कृष्णा कुमारी ने फिर पूछा, क्या आप जिन्ना के साथ जाएंगे, पाकिस्तान में विलय करेंगे जोधपुर का? महाराजा हनुमंत सिंह बोले, अभी तय नहीं है। बहरहाल महाराजा और महारानी के बीच की इस बातचीत से ये लग गया था कि महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर के भारत में विलय या कह सकते हैं पाकिस्तान में विलय से पहले अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज चाहते थे, खासतौर पर हिंदू बहुल अमरकोट जो कि पाकिस्तान में शामिल हो रहा था, साथ ही जोधपुर और हैदराबाद जो कि सिंध में आता है कि रेलवे के नेटवर्क पर अधिकार। भोपाल और बड़ौदा के शासकों ने जिस तरह रियासतों के एकीकरण से पहले जो विशेष मांगे रखी थी उन्हें भारत सरकार ने नेगेटिव टिप्पणी के साथ लौटा दिया था। ये तमाम मांगे हनुमंत सिंह ने रखी थी। ऐसे में हनुमंत सिंह ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान के हुक्मरान मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात किया जाए, जो कि पाकिस्तान के जनक थे, भोपाल के नवाब और जैसलमेर के महाराज कुमार, और अपने निजी सचिव लेफ्टिनेंट ठाकुर केसरी सिंह के साथ महाराजा हनुमंत सिंह 6 अगस्त को दोपहर में जिन्ना से मिलने उनके नई दिल्ली के आवास पहुंचे। मोहम्मद अली जिन्ना थे अपने पॉलिटिकल एडवाइजर सर मोहम्मद जफरुल्ला खान के साथ। जिन्ना ने गर्म जोशी से स्वागत किया और कहा, स्वागत है योर हाइनेस। महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा, शुक्रिया आपका। उसी वक्त महाराजा की नजरें जिन्ना की उस बंद मुट्ठी पर पड़ी जिसके अंदर एक कागज जमा था। जिन्ना ने कहा, जब तक दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर है, हम दोनों साथ और मजबूत रहेंगे।
महाराजा हनुमंत सिंह बोले, आप क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट करें। जन्ना ने मुट्ठी में दबा कागज बाहर निकाल कर कहा, ये खाली कागज है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, आप इसमें जोधपुर रियासत के लिए चाहने वाली विशेष पैकेज या शर्तें इस पर भर दें। महाराजा हनुमंत सिंह ने जैसे ही कागज देखा, उस पर जिन्ना के हस्ताक्षर की चमक साफ दिख रही थी। पाकिस्तान के जनक का यह ब्लैंक चेक ऑफर था जो महाराजा जोधपुर को दिया गया था। महाराजा को भी इस तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा, मैंने नेहरू पटेल के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिन पर उनका जवाब का इंतजार है। कराची पोर्ट पर फ्री पोर्ट, जोधपुर हैदराबाद रेलवे यानी सिंध रेलवे का अधिकार जोधपुर के पास रहे, शस्त्रों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, रियासत के लिए अनाज की सप्लाई समेत प्रमुख मांगी थी। जिन्ना ने महाराजा की सभी मांगे मान ली। कहा जा रहा है कि महाराजा हनुमंत सिंह को जिन्ना ने सहमति पत्र दे दिया था। उधर महाराजा की जिन्ना से मुलाकात की खबरें कांग्रेस और लोक परिषद नेताओं तक पहुंच गई। ये भी चर्चा रही कि भोपाल के नवाब के प्रभाव में आकर हनुमंत सिंह ने उदयपुर के महाराणा से भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का आग्रह किया था, लेकिन उदयपुर ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि एक हिंदू शासक हिंदू रियासत के साथ मुसलमानों के देश में शामिल नहीं होगा। इस दौरान पाकिस्तान में मिलने के मुद्दे पर जोधपुर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। सरदार पटेल किसी भी कीमत पर जोधपुर को पाकिस्तान के हाथों में नहीं देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जोधपुर के महाराजा को भरोसा दिलाया कि भारत में उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी मांग पाकिस्तान से की गई थी। हालांकि तब मारवाड़ के कुछ जागीरदार भारत में विलय के विरोधी भी थे। वे मारवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन महाराजा हनुमंत सिंह ने समय की नब्ज को पहचान लिया था। जोधपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय को लेकर कई तरह की दिलचस्प बातें तारीख के पन्नों से बाहर आज भी लोगों की बातचीत का हिस्सा है। कहा जाता है कि जोधपुर दीवान के जरिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को भनक लग गई थी और वह जोधपुर के उम्मेद भवन पहुंच गए थे। उन्हें अपने सामने देखकर महाराजा चौंक गए। इतिहास में कहते हैं कि इससे पहले सचिव मेनन और महाराजा के सामने पिस्तौल तानने की घटना भी घट चुकी थी। सरदार पटेल की मौजूदगी की बातें भी सामने आती हैं। पटेल ने हनुमंत सिंह से पाकिस्तान के साथ जाने को लेकर मना किया और ये भी बताया कि पाकिस्तान की कुछ चालों से उन्हें अवगत रहना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कूटनीतिक प्रेशर के आगे आखिरकार महाराजा हनुमंत सिंह मान गए। 11 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इस घटनाक्रम ने युवा महाराजा के मन में कांग्रेस के खिलाफ बीज बो दिए। आज़ादी के वक्त राजस्थान में 22 रियासतें थीं, जिनमें केवल अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में थी, बाकी की 21 रियासतें स्थानीय शासकों के अधीन थी। भारत के आज़ाद होते ही अजमेर रियासत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के करारों के मुताबिक खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन गई। बाकी की 21 रियासतों में से अधिकतर के राजा स्वतंत्र राज्य बनाने की रट लगाए बैठे। इसके लिए उनकी अपनी दलील भी थी। वह कहते थे कि आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उन्हें राजकाज चलाने का बेहतर तजुर्बा है, लिहाजा उनके राज्य को स्वतंत्र राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया जाए। 18 मार्च 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने एकीकृत राजस्थान के लिए अलग अलग राजाओं को भारत में शामिल होने की प्रक्रिया के लिए राजी करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और इस तरह काफ़ी प्रयास के बाद नवंबर 1956 में मौजूदा राजस्थान बना। रियासतों की विलय प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल जोधपुर रियासत के राजा
हनुमंत सिंह को मनाने में आई थी। आजादी के बाद देश का मिजाज बदला तो महाराजा ने चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया। वो कांग्रेस के खिलाफ थे। 1952 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी बनाई। ऊंट के निशान पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। पूरे मारवाड़ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। 1952 में प्रमुख राजे रजवाड़ों को साथ लेकर राम राज्य परिषद के बैनर तले चुनाव लड़े गए। पूरे मारवाड़ में चुनाव राम राज्य परिषद ने लड़े। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे। महाराजा हनुमंत सिंह ने दो चुनाव एक साथ लड़े, एक जोधपुर से लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को उन्होंने भारी मतों से हरा दिया। ये बड़ा उलटफेर था। इतना ही नहीं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर की 26 सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। नागौर में नाथुराम मिर्जा और मथुरादास माथुर ने जरूर कांग्रेस की लाज रखी। हनुमंत सिंह विजय के उन्माद में अपनी प्रेमिका जुबेदा के साथ चार्टर प्लेन में सैर को निकल गए थे। प्लेन क्रैश हो गया और उनका महज 29 साल की आयु में निधन हो गया। और यहाँ कहा जा सकता है कि वो अपनी जीत देख भी नहीं पाए। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जुबेदा कौन थी। मारवाड़ राजभवन में 1949 में एक महफिल में महाराजा ने जुबेदा को पहली बार देखा था, जो मुंबई से आई थी। महाराजा ने जुबेदा को देखा और उनसे शादी की बात कह दी। जुबेदा का तलाक हो चुका था और उनका एक बच्चा भी था। परिवार ने इसका विरोध किया लेकिन हनुमंत सिंह नहीं माने। 1950 में जुबेदा ने हिंदू धर्म अपनाया और शादी कर ली। उन्होंने उम्मेद भवन छोड़ दिया और जुबेदा जो शादी के बाद विद्या कुमारी हो गई थी। महाराजा जुबेदा के साथ मेहरानगढ़ के किले में रहने लग गए थे। निधन के समय जुबेदा साथ थी। श्याम बेनेगल ने 2001 में जुबेदा और हनुमंत सिंह की प्रेम कहानी को लेकर एक फिल्म भी बनाई थी। बहरहाल चुनावी नतीजे हनुमंत सिंह के निधन के बाद आए। जनता में लोकप्रियता के कारण हनुमंत सिंह लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ जीते। पहली बार देश में उपचुनाव जोधपुर में हुआ और राजपरिवार की राजनीति का इतिहास लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होता। हनुमंत सिंह की पत्नी कृष्णा कुमारी भी जोधपुर से 1971 में बतौर निर्दलीय सांसद रही और बहुत ही ख्यातनाम महिला के तौर पर उन्हें जोधपुर में जाना जाता है। सम्मान के साथ कृष्णा कुमारी का नाम लिया जाता है। उनकी पुत्री चंद्रेश कुमारी कटोच भी 2009 में कांग्रेस पार्टी से सांसद बनी। चंद्रेश कुमारी यूपीए सरकार में मंत्री भी रही। जोधपुर राज परिवार के मौजूदा शासक आज गज सिंह है। वे रियासत की राजनीति में सियासत में सक्रिय नहीं है मगर रुतबा आज भी बरकरार है। उनका इशारा ही किसी की जीत और पराजय के लिए काफी भर होता है। अध्याय में आज इतना है। फिर एक बार एक नई राजनीतिक गाथा के साथ आपके सामने होंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।